अस्सलाम वालेकुम गाइस, सो हियर आई एम फॉर द कलर और आज हम अपने वीडियो की शुरुआत अगेन करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको सब आप सबको यही बोलना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजम करें, क्योंकि आपकी शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारी पहचान बनती है। तो आज रमज़ान का दूसरा दिन है, तो देखते हैं कि आज का दिन कैसा गुजर रहा है। दो बज चुके हैं और रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लग रहा कि रोज़ा है, रोज़ा आज बिल्कुल नहीं लगा। और मार्केट भी बिल्कुल खाली लगी पड़ी और फारिग बैठे हुए हैं और हमारे साथ फारिग लोग भी बैठे हुए हैं। तो आज देखते हैं हम जायज़ा करेंगे किसके साथ वीडियो बनाना है। और यहाँ पे आज दूसरे दिन पे भी नहीं आया और बिल्कुल बोरियत के साथ ही बैठे हुए हैं। तो आज देखते हैं क्या होता है। हाँ तो भाई देख सकते हैं आप, इफ्तारी में करके आया था मस्जिद में, मगर घर वालों ने कहा था कि आप जो है ये फ्रूट वगैरह खा लें ताकि आपको थोड़ा बहुत एनर्जी मिल सके। और यहाँ पे हमें अभी जो है फ्रूट वगैरह खा रहा हूँ। और रमज़ान में खबर का महीना है, रमज़ान में बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। निबंध आज रमज़ान का दिन बहुत अच्छा गुजरा और इसके अलावा आज टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला, क्योंकि जो है लॉट्स ऑफ वर्क, मुझे बहुत ज़्यादा काम था। आज मैंने जो है रमज़ान में अपनी हर दुआ कबूल होती है। रमज़ान वो महीना है जिसमें आप हमें चीज़ मांग सकते हो अल्लाह से, और इसमें मेरे आप अपने हर दुआ कबूल करवा सकते हो। ये वही माह रमज़ान है जिसमें आप अपने अल्लाह को राज़ी कर सकते हो। तो मेरी सबसे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी दुआओं में मुझे याद करें, रमज़ान में याद करें, अल्लाह पाकि अपनी इबादत में याद करें, क्योंकि रमज़ान स्पेशली रमज़ान मेरा पाक आपको सुनता है। और इसके अलावा ये बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि रमज़ान के रोज़े कभी ना छोड़ें और इबादतें ना छोड़ें। एंजॉय योरसेल्फ, रमज़ान को बहुत ज़्यादा एंजॉय करें, मस्जिदों में चले जाएं, वहाँ पे रोज़े छोड़ें और जो करें बस रमज़ान एंजॉय कर लें। बस ये महीना साल में एक बार आता है, फिर नहीं आता। तो एंजॉय, ये रमज़ान बेहतरीन अल्लाह पाक इसी में आपकी दुआ कबूल करेगा। और रही बात वीलॉग आज नहीं बना पाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था सारा दिन। आज मेरा बहुत ऐसे ही बोल सकते हैं कि हमारा मिस्त्री नहीं आया और उसको उसके काम आज सारे मुझे करने पड़े। हालांकि आखिर में जो है बहुत ज़्यादा मेरा गला जो है थोड़ा बहुत सूख गया था रोज़े की वजह से, क्योंकि सारा दिन धूप में काम करना पड़ा मुझे, कस्टमर्स को हैंडल करना पड़ा, वीडियोस बनाने के लिए मेरे जहन में ही नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँ, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था आज मैं। तो मुझे अपनी दुआओं में याद करें, थैंक यू सो मच।